ये थोड़ा सा पानी कोसा करके डाला है क्योंकि एकदम गर्म डाल देंगे तो शीशा कराया को नहीं खत्म है, तो पहले ही कराया, बट फिर भी अब इतना सब जीरो टेम्परेचर है। अब पानी अगर इसके अंदर हम जो विंडशील्ड वॉशर होता है उसके अंदर भर दे तो रात को जम जाता है, या फिर इतनी ठंड होती है कि अगर आप चल रहे हो तो पानी बाहर निकलेगा तो विंड स्क्रीन पे आते ही जम जाएगा। तो इसीलिए कनाडा वगैरह में तो ऐसे लिक्विड आते हैं जो कि एंटी फ्रीज जिनके अंदर होता है, जो जमते नहीं है -30 के अंदर भी। मगर यहाँ पे कई बार अगर वो ना मिले तो लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर ना सस्ती वोडका मिक्स कर देते हैं, अल्कोहल जमता नहीं है तो उससे चीज़ जो है चलती रहती है। हिंदुस्तान की वो अल्टीमेट विंटर डेस्टिनेशन जहां बहुत सी परेशानियों की वजह से कम ही लोग जा पाते हैं। इसकी बेहद खूबसूरत झलकियां और इसकी इमेंस वास्टनेस के आपको दर्शन कराता स्पीति वैली से अपने खास दोस्त के साथ। मैं ट्रैवलिंग देसी। अब जी अगर आप स्पीति आते हैं वो भी विंटर के मौसम में जबकि टेम्परेचर -12-15 से लेके -25 तक कहीं भी जा सकता है, तो आपको अकोमोडेशन जो है वो आपके माइंड में आएगी कि कैसी एक चीज़ ली जाए जो कि इस टेम्परेचर में मैनेज कर सके। यहाँ पे होटल्स वगैरह बहुत सारे हैं 2000 से लेके 15000 तक जाते हैं, सही कह रहे हो ना, मगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से नहीं है कि विंटर में मेंटेन कर सके। समर्स में चलते हैं विंटर्स में सिर्फ होम स्टेज चलते हैं क्योंकि वजह ये है कि जब सब जीरो टेम्परेचर जाता है तो उनको पाइपें फटने का खतरा होता है क्योंकि पानी फ्रीज हो सकता है पाइप के अंदर, सब कुछ जो है तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो ज्यादा चलाते ही नहीं। अब ये जो घर हैं ये होम स्टेज हैं, ये ज्यादातर इनकी दीवारें शिवारें स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो मिट्टी के बने होते हैं, सिर्फ इनके कंक्रीट के बीम हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, बट अदरवाइज इंसुलेशन मेंटेन करने के लिए। और ये जो दिख रही है आपको अंगीठी, बंदा आता है उसको बोलो भाई इसको जला, इसमें डालता है अपना फर्स्ट क्लास लकड़, ये गर्माइश करती है और थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कोजी एनवायरमेंट बन जाती है, मगर इसके अंदर भी लकड़ हर 1.5-2 घंटे के अंदर डालनी पड़ती है वरना ये बुझ जाएगा तो फिर नॉर्मली चीज ठंडी होनी शुरू हो जाती है। अब ये तो लिविंग एरिया है और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेडरूम दिखा देता हूँ। अब हम लौंडे हैं, सेंट्रा मेरे साथ है नहीं तो इसलिए शूट करने से पहले हमने कमरा सेट तो किया नहीं, मगर अगर हम देखें तो 1-2-3 बेड है यहाँ पे। यहाँ पे जो भाड़ा लगता है वो लगता है 1500 से लेके 2000 रुपए पर पर्सन के बीच में, इसमें खाना भी देते हैं, खाना भी इंक्लूडेड होता है जिसके अंदर कल को हमने रात को दाल बहुत ही बढ़िया उन्होंने बनाई थी, चिकन की एक सब्जी, अचार वचार, रोटी शोटी सब कुछ थी, नाश्ते में भी हमें अभी पराठे और ऑमलेट मिल जाएंगे। मगर एक जो बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आता है इन घरों के अंदर वो ये है बाथरूम का, क्योंकि अब हम आए हैं सब जीरो के अंदर तो यहाँ पे पाइप तो चलेंगे नहीं, तो अगर आप इसे बाथरूम के अंदर आए जो कि भी तरक्का पड़ा है सॉरी फॉर दैट, तो इसमें कोई भी टूटी में ना पानी नहीं है, तो इसलिए ये बाल्टी में पानी भर के लाते हैं, इससे आप इसको गर्म करते हैं, यहाँ पे नहाते हैं पुराने टाइम का जुगाड़ डाल के, और ये ड्रम है ना इसमें पानी भरा रहता है, जब आप जाओगे तो ये वापस इसके अंदर पानी डाल देगा, और इसके अंदर एक बड़ा हम मग्गा है जिससे आपको फ्लश करना होता है, बस जो सीवरेज है वो इंसुलेटेड होती है ताकि जो नीचे गटर टाइप सामान जाना ना वो ना जम जाए, तो इसीलिए ये मेन डिफरेंस है जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ आते हैं। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड सिकनेस एक अलग चैप्टर है, अगर आप नोटिस करो मैं तीसरे से बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ सांस फूले जा रही है, इसके बारे में बाद में बताते हैं, मगर पहले थोड़ा स्पीति एक्सप्लोर तो करें ना। पता नहीं है कपड़े कैसे सूखते होंगे, मैं तो मैं यहीं रख दिया। और ये यहाँ पे किचन एरिया है जहाँ पे फ्रेश जो है आपको खाना मिलेगा, नाश्ते में मेरे ख्याल से हमें मिलने हैं आलू के पराठे और ऑमलेट, और ये कॉमन सेटिंग एरिया है जहाँ पे सारे बैठते हैं, यहाँ भी चूल्हे लगे हुए हैं और इसी की हीट के ऊपर जो है ना ये खाना वाना गर्म करके कई बार बना भी लेते हैं, सुबह से अपना आसन लगा के बैठ गए, तैयारी है नाश्ते की है भाई, सांस कितनी फूल रही है अभी ऊपर क्या होगा फिर आपका, आराम आराम से धीरे धीरे बोलो पानी पीते रहो। और ये साकिया होम स्टे है जी जिसके अंदर हम रुके हैं, बस अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, सामान जो है ना रख लिया है थोड़ा बहुत के बाय चांस जुराब उराब गिली हो जाए मैं तो वो भी रख लिया है स्पेयर नहीं जूते यहाँ पे स्पेशल लगते हैं ना ताकि ये स्नो और आइस पे फिसले ना, मैंने तो 1100 रुपये के यहीं से लोकल खरीद लिए थे, अभी तक तो बढ़िया काम कर रहे हैं।
और स्पीति वैली की हम बात करें तो टूरिज्म का जो सेंटर पॉइंट है वो काजा है। यहाँ पे आके लोग रुकते हैं अपनी अपनी अकोमोडेशन और फिर यहाँ से अलग अलग ऑफ शूट्स निकलती हैं बाकी एरियाज को एक्सप्लोर करने जाने के लिए। और ये जो एरिया मेरे पीछे देखने जाते हैं हमारा होम स्टे है, ये ओल्ड काजा है बेसिकली। पहले कहते हैं कि बस स्टॉप भी जो इनिशियल था वो वहाँ पे था और यहाँ पे जो होम स्टेज हैं वो सारे बड़े पुराने बसे हुए हैं, सम ऑफ द वेरी अर्ली एस्टैब्लिश्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर फैमिली रन। हाँ जी सूट साहब, कहाँ लेके जा रहे हो आप? हम भी जा रहे हैं काजा मार्केट के, देखो ये पूरी काजा की मार्केट है। अच्छा, लो जी काजा दी मंडी, बड़ी ब्लैक आइज लगी है ना यहाँ तो भैया, ऑल व्हील ड्राइव ही चाहिए सूट साहब, नहीं फिसल सकता है मामला। वैसे हम ऑल्टो भी चढ़ा ही देते हैं चेन लगा। ओ ओ पुलिस आ गई। 1400-1500 की कुल आबादी है, मार्केट वगैरह यहीं पे है, छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, मगर विंटर में बहुत सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं यहाँ के लोकल भी और थोड़े गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं, मगर क्योंकि थोड़ा बहुत विंटर टूरिज्म जो है अब शुरू हो गया है तो इसीलिए कुछ दुकानें खुली हैं। तो हम यहाँ से अपने लिए, मैं ग्लव्स लेने भूल गया था वो पकड़ लेता हूँ और ईयर मफ्स भी, कहते हैं क्योंकि ठंड जो है ना कानों पर बहुत ज़्यादा पकड़ती है, कान छाती गला पैर बचा आगे रखो। ये सीन है ना यहाँ पे गाड़ियों का, कौन कहाँ से जाएगा, सिंगल रोड है, ऐसा लग रहा है मॉन्ट्रियल आ गया वापस। क्या बर्फ पड़ी है। अरे सूट साहब के फैन है, सूट साहब के लिए कुछ लेके आए? अरे नहीं आपके लिए लेके आए, एक बहुत, अरे एक बहुत असर, एक बहुत हम शेयर कर लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेडीज से लेडीज से पीछे तो बैंक देखा ना आपने, SBI का। सूट साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बैंक का ATM है तो उसके अंदर अगर पैसे मुक गए तो पहले तो दो दो तीन तीन दिन तक नहीं आता था, इसलिए जो है ना अपने कैश के स्टॉक आप लेके चलो। आजकल हो सकता है सप्लाई ठीक हो गई हो, मगर बाय चांस बर्फबारी पड़ जाए, जगह कट जाए, आपको होटल में रहना और पैसे ना हो तो दिक्कत आ सकती है। और ये पीछे काजा मोनेस्ट्री है, यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले आपको पता है बहुत सारे लोग हैं इधर, और लोग यहाँ पे ना बड़े फ्रेंडली हेल्पफुल और ओवरचार्ज नहीं करते। जैसे मैंने ये ग्लव्स हैं ये मेरे को 200 रुपये में मिल गए, मेरा फर्स्ट क्लास काम चला जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसी रिमोट जगहों पे होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ओवरऑल नहीं। ये दिख रही है जी आपको पूरी पीछे एक्सपेंसिव स्पीति वैली, थोड़ा सा ही एक पानी की जो है ना हल्की सी नदी का कट बहता हुआ नजर आ रहा है, बाकी सब जमा हुआ है और यहीं से ऑफ शूट निकलते हैं अलग अलग जगहों के। वो पीछे जो गांव दिख रहा है वो है रांगरीक, सर रांगरीक है रांगरीक। वैसे आसपास यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, मगर हम जा रहे हैं सबसे पहले की मोनेस्ट्री की तरफ, रोड ऊपर को जाएगी। बाबू जी सिंगल लेन हो गई है ना तो यहाँ आगे से गाड़ी आ रही है, तो देखना पड़ेगा हमें किसको मौका लगता है। चलो वो भाई साहब रुक गए और वो देख रहे ऊपर सड़कें जा रही है zigzag भाई, कमाल की जगह है अपने आप। मान गए मान गए, मजा आ गया मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया बहुत सुंदर। ये है जी रंगरी, हम जा रहे हैं किब्बर की तरफ, इस तरफ यानी सीधा, बड़ा ही सुंदर है यार। गाड़ी ऑल व्हील में डालनी पड़ी है यहाँ जी। हम पहुंचे हैं की मोनेस्ट्री और सूरज और रोशनी और सन की इतनी ब्राइट है कि अगर आप हो सके तो अपने सनग्लासेस जरूर लेके आइएगा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। मगर यहाँ से सूद साहब जो है ऊपर एक व्यू पॉइंट है ट्रैक करके जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को जो ना सांस थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी फूल रही है, रीज़न बीइंग ऑल्टीट्यूड सिकनेस। होता क्या है बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो जब आप आते हैं बॉडी को एक्लिमेटाइज करने में टाइम लगता है। कल रात को जब हम पहुँचे तो पहली रात मेरी कुछ बहुत अच्छी नहीं कटी, इन द सेंस एक यहाँ आने से एक रात पहले हम कल्पा में रुके थे तो वहाँ पे भी ऑल्टीट्यूड कोई होगा मेरे ख्याल से 8-9,000 फुट के आसपास, तो उससे थोड़ी सी अडाप्टेशन हो गई थी बट वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यहाँ आए तो रात को वैसे मैं ठीक था और जब हमने खाना खाना शुरू किया, खाना खाने के 15 मिनट के अंदर मेरे को ऐसे किक सी लगी
मुझे ऐसा लगा कि मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए हैं तो तब से लेके वॉकी टॉकी हमने ले लिया था कि सूट सब जो ना ऊपर से हेलो चेक आपकी तो आ रही है मेरी आ रही है लाउड एंड क्लियर ओवर एंड आउट ओके तो खाना खाते टाइम जब चक्कर आने लगे तो मेरे को लगा सिर भारी हो रहा है सिर भारी हो फटीग सी महसूस हो नौजिया सा फील हो लाइट डायरिया भी हो गया हल्का सा बट फिर रात को मैंने कहा थके हुए थे तो सोने की कोशिश करी और दो घंटे बाद नींद खुली तो सिर जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे बंदा बड़ी देर उल्टा खड़ा हो जाए ना तो उसके सिर में खून आ जाता है तो ऐसी फीलिंग आ रही थी प्रेशर लगा था सिर के अंदर फिर मैं इनके पास गया एक एडवल टाइप मैंने गोली खा ली बेसिकली पैरासीटामोल टाइप छोटी सी ताकि थोड़ा सा काम डाउन हो जाए उसके बाद फिर मैं लेटा बिस्तर में आधे घंटे तक मैंने फिर कुछ यहाँ वहाँ अपना दिमाग चलाया कुछ ना कुछ सोचता रहा प्लानिंग कल क्या करना है परसों दिमाग इधर उधर डाइवर्ट किया नींद आ गई सुबह तक उठा तो ठीक था मगर अब मैं ज़्यादा चांसेस नहीं ले रहा और यहाँ पे कहते हैं कि आपको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर पानी पीते रहना चाहिए और अगर पानी पीने के साथ साथ स्नैकिंग बहुत ज़रूरी है तो बहुत सारे लोग जो अपने साथ छोटी छोटी चॉकलेट लेके चलते हैं मगर क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हमको ये जो है ना ये देखा है मीठे मीठे ड्राइड एप्पल ये साथ में सॉल्टेड पीनट्स के साथ मैं बीच बीच में ले लेता हूँ ताकि जो है शुगर लेवल वगैरह थोड़ा मेंटेन रहे बस ऐसा लगे था थकान बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हो जाती है बट ठीक है थोड़ी सी ब्रेक ले लो बंदा अपना ब्रेथ कैचअप कर ले ज़्यादा जो है ना जोश में नहीं आना चाहिए मॉनेस्ट्री की एनवायरनमेंट जो है ना बड़ी सूदिंग और काम है यहाँ पे प्रेयर रूम्स हैं मेडिटेशन रूम्स हैं मगर टेंपल्स हैं किसी के अंदर भी ना वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकता मगर मेडिटेशन के अलावा भी अगर आप यहाँ आते हैं ना तो चारों तरफ अगर आप व्यूज़ देखें ऑल अराउंड बहुत ही अमेजिंग अंदर एक अलग ही तरह की एनवायरनमेंट है तो यहाँ कुछ टाइम तो स्पेंड करना मेडिटेट करना बनता है बाकी व्यूज एब्जॉर्ब कर लिए अब चलते हैं वापसी आ गए सूर साहब पदयात्रा करके पता नहीं वो कौन सी पहाड़ी से चढ़ के उतर के आए हैं हालत टाइट हो गई इससे पहले कि ये स्नो पिघल के पानी बन जाए जो कि काफी हद तक बन चुकी है मुझे पता था आप ये कांड करोगे पड़ी है पीछे पहननी अब हाँ वूलन वाली बढ़िया अब जब निकल पड़े अगले स्पॉट की तरफ मगर मेरा सिर जो है ना चक्कर खाना शुरू हो गया क्योंकि डिहाइड्रेशन होने लग गई है यहाँ पे इतनी ठंड में आप मुंह से भाप भी निकलती है ना तो भी बंदा डिहाइड्रेट हो जाता है होंठ सूखने लग गए पानी खत्म हो गया था तो इसे तब स्ट्रगल लिया फटाफट से पानी ढूंढो और थकान सी बहुत जल्दी महसूस होने लग गई है मतलब आधे दिन के अंदर ऐसा लगने लग गया फटीग हो रही है पानी तो नहीं है बियर पड़ी है अरे सर ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है जी किब्बर का इलाका और ये जो जगह है ना ये बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे आसपास मौजूद और हर जगह अगर आप यहाँ पे देखो तो बाढ़ लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स और कई सारे जो है ना माउंटेन विंटर वाले एनिमल्स टाइप होते हैं तो वो घरों वगैरह में ना आ जाए और वो अपने एरिया में सेफ रहें तो इसलिए बाढ़ वगैरह यहाँ लगी हुई है 350 की आबादी वाला किब्बर कोई 14,000 फुट की ऊंचाई पर है मगर गर्मियों में हरियाली और थोड़ी बहुत खेती भी होती है बाकी सूद साहब की फॉलोइंग हर जगह ही है क्योंकि इतने सालों से ये स्पीति और आजूबाजू के एरिया पे शॉर्ट्स रील्स वीडियोस व्लॉग्स डाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे चाहे लोकल हो चाहे लोग जो यहाँ पे घूमने आए होते हैं वो ज्यादातर इनकी वीडियोज वगैरह देख के आते हैं हम जी गए थे किब्बर की तरफ जो कि वो आगे जाके था और ये हमने ब्रिज रास्ते में जाते हुए देखा था वापस आके इस रास्ते से यहाँ से हम आगे जा रहे हैं एक और जगह की तरफ जिसका नाम है लोसार मगर कहते हैं कि वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी होती है और आगे थोड़ा सा जो है ना रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है तो जिस एक्सपेडिशन ग्रुप के साथ हम आए हुए हैं उन्होंने अपनी एक गाड़ी भेज दी है तो अब हम उनको फॉलो करते करते उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं और साथ साथ आपको लोसार दिखाएंगे लोसार तो बंदा जा ही नहीं सकते पहुंच नहीं सकते ठीक है क्योटो तक जा पाएंगे वैसे लोसार है वैसे हम लोसार के रास्ते में क्योटो तक जा रहे हैं ओके ये आगे जी रंगरीक जो हमने आपको पहले दिखाया था दूसरी तरफ से ओ सामने स्टैचू बना
यहाँ पे जी इस एरिया में अगर आप रुकते हो ना तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है एज कम्पेयर टू काजा के। और ये टावर देख रहे हो आपको लगा हुआ, तो यहाँ पे 4G के इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया आती है। अगर आप इस इलाके में रुको काजा में ज्यादा भीड़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है ना, तो ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, कम हो जाती है स्पीड। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा लोग ही नहीं है, फुल पावर आती है। Okay. जबकि रंगरीक भी जो है ना काजा से बहुत दूर नहीं है, बस एक डिसएडवांटेज ये है कि काजा में पूरी प्रॉपर मार्केट है कि आपको कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी हो, मगर यहाँ से आप जाके भी सामान लेके वापस भी आ सकते हो, इसको भी बेस बनाया जा सकता है। चलो उधर की मशीन आ रही है, मशीन ये जो सड़क है ना इसके एडवांटेज ये है कि इसके दाएं बाएं खाई नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा केयर फ्री होकर इस पे चला सकता हूँ। बाय चांस स्पेशल में यही तो इधर उधर लेफ्ट राइट ही होगी। इसमें ना भाई साहब ब्रेक नहीं लगती, अगर आप आइस या स्नो के ऊपर हो और आपने ब्रेक दबा दी स्पीड पे तो गाड़ी स्किड होती हुई आगे ही निकलती चली जाएगी, इसलिए स्लो ही चलानी चाहिए। और गाड़ी स्किड हो तो बस स्टेयरिंग मनूवर करके सेंटर में या साइड पे बजाओ और एक्सीडेंट होने से बचाओ। कुल आबादी 500 की है, हल लिखा हुआ आता है यहाँ पे हर जगह। ओए ओए पैसा भी है क्या तेरी गाड़ी की छत के बराबर है। जब भी ऐसी जबरमस्त टाइप की जगह आती है ना मैं कहता हूँ गाड़ी रोक लो ताकि थोड़े बहुत शॉट ले लेंगे, मगर एक बड़ी एक्साइटिंग चीज मेरे को नजर आई। मैंने कहा जरा ये ले लें आपको, मेरे हिसाब से जो पीला होता है ना टोपा इसका मतलब होता है नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुल्लू 215, मनाली 175, लोसार 32 और अगला क्या है पांगमो, यानी अगला गाँव पांगमो है। फुल अपना टोर में रील वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं, यहाँ आ गए खत्म वापस। थोड़ी सी हमने यहाँ आके देखा तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि एवलांच होके जो है सड़क के ऊपर गिरी हो स्नो, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे पैटर्न कैसा और मासा स्नो लुढ़क के नीचे आई हुई है। यहाँ पे हमें ज्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए। सर जी निकलो, अरे है नीचे यार, यहीं के खिलाड़ी। अच्छा वो देखो ना, अच्छा असली सड़क नीचे जा रही, मैं जा रहा हूँ दूसरी गाड़ी में, आप यही 1.5-2 घंटे इंतजार करो जब तक आपके ऊपर नहीं आ जाती। कमाल कर रहा है यार, हमें अभी कॉल आई है कि सारी जो बाकी पार्टी है ना वो हल में है, तो हम उनके पास जा रहे हैं लंच करने के लिए, फिर वहां से आगे देखेंगे क्या करना है। लोसार का आगे रास्ता अब बंद है। बाबू जी मतलब स्विट्जरलैंड हो या कनाडा के विंटर के रॉकीज माउंटेन्स हो, ऑस्ट्रियन एल्प्स हो, सारे फेल है इसके आगे है। मजा आ गया, और लोग ही नहीं, लोग ही नहीं है ना, बंदर बंदे की विंटर में कोई नहीं आता। और ये जी हल जिसमें आपको लोकल्स के मिट्टी के बने हुए घर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंसुलेशन उसी तरीके से मेंटेन रखी जा सकती है यहाँ पे। खाना हमें मिलेगा एकदम सिंपल होम स्टाइल, चावल दाल सोनाली बेंद्रे वाली नहीं बट अदरवाइज स्वीट डिश है। और ये वेज मोमो, ये मोमोज है ना आलू वाले मोमोज है। पहली बार बैठने का स्टाइल ऐसे है कि जूते सेंटर में और प्लेट सामने आ जाएगी। नजारे देखो जी, क्योंकि अब हम जा रहे हैं किस तरफ सर, लांगसा की साइड, लांगसा भाई सब नजारे इतने जबरदस्त है कि समझ नहीं आ रहा क्या लेके आज छोड़ रहे हैं। रो गाड़ी मेरे को बोला बैटरी सिर्फ 20% बची है, 14% बगानी है ओके मगर साथ तेज भी नहीं चला सकते भाई साहब, कमाल नजारे हैं यार। भाई वो आ गया ड्रोन, ओए होए अमेजिंग। आ जाओ आ जाओ, हर बेंड पे नजारे जो है ना आप दो पहाड़ी घूम के ऐसे निकलो अलग निकल आते हैं यार। ओ आ गया सामने माउंट शीला, जिसको कहते हैं कि लगभग अनक्लाइमेबल ही है। सफर में आपको यहाँ भीड़ दिख सकती है, मगर विंटर में तो 2-4 गाड़ियां वो भी निकलती हुई बड़ी सेक्सी लगती हैं शामों को। और ये जी पीछे फाइनली हम पहुंच गए चल के विलेज लांगजा, और ये है वो मेन ट्रीट जिसके लिए आते हैं, बुद्धा का जो स्टैचू।
मजा आ गया जी। हाइट बताऊं आपको यहाँ पे कितनी है, अल्टीट्यूड 14,300। और इस हाइट और रिमोट एरिया में अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो अपने साथ जियो या एयरटेल लेते आइएगा। वोडाफोन का नेटवर्क एटलीस्ट जब मैं गया था तब तो यहाँ अवेलेबल नहीं। और 14,000 फुट की ऊंचाई से मैं आपको कहता हूँ अलविदा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।